हेलो दोस्तों, मैं हूं चिराग और मैं हूं उज्जवल। इस वक्त हम हैं राजकोट शहर में, जो कि हमारा होम टाउन है। राजकोट जाना जाता है यहाँ की कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। यहाँ पे कई सारी स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, और इसी के साथ राजकोट जाना जाता है यहाँ की कुछ खाने पीने की चीज़ों और स्वीट्स के कारण। राजकोट वैसे तो टूरिस्ट प्लेस नहीं है, लेकिन अगर सौराष्ट्र के किसी भी टूरिस्ट प्लेस जैसे कि गीर, सोमनाथ, द्वारका, अगर वहाँ जाना है तो आपको राजकोट से होकर ही जाना पड़ता है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए चलिए एक्सप्लोर करते हैं राजकोट शहर को। इस वक्त हम हैं रेस कोर्स में, जो कि राजकोट का सबसे फेमस एरिया है। इस वक्त सुबह के 7 बजे है और लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, जॉगिंग करने आते हैं और कई तरह के आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने भी आते हैं। जॉगिंग और एक्सरसाइज के बाद लोग यहां पर हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं। इस वक्त हम हैं आजी डैम पे। आजी डैम राजकोट का एक बहुत ही फेमस डैम है। सो दिस इज़ प्रद्युमन पार्क, जो कि राजकोट का एक बहुत ही बड़ा ओपन जू है। यहाँ पर कई अलग अलग तरह के एनिमल है, जैसे कि शेर, चित्ता, बाघ, बंदर, भेड़िए, भालू और भी बहुत सारे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं प्रद्युमन पार्क जू को। अब हम हैं न्यारी डैम पर, जो कि यहाँ का दूसरा बहुत ही फेमस डैम है।
पहुंच गए हैं राजकोट की बहुत ही पुरानी शॉपिंग मार्केट में, जो कि धर्मेंद्र रोड मार्केट के नाम से जानी जाती है, और ये धर्मेंद्र रोड और उसके आसपास के कई सारे रोड में फैली हुई है। धर्मेंद्र रोड है वो फेमस है शॉपिंग के लिए, उसमें भी स्पेशली कपड़े, जूते, ज्वेलरी और डेकोरेशन आइटम के लिए। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं शॉपिंग मार्केट को। चलिए अब हम पहुंच गए राजकोट की गोल्ड मार्केट में। राजकोट की गोल्ड मार्केट दुनिया भर में फेमस है। यहाँ पर कई अलग अलग तरह की ज्वेलरी, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है। इस वक्त रात के 10 बजे हैं और हम एक बार फिर से पहुंच गए हैं रेस कोर्स पर। रात के वक्त लोग यहाँ पर नाइट वॉक करने, आइसक्रीम्स और कुछ रिफ्रेशमेंट्स खाने और अपने परिवार और दोस्तों के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताने के लिए आते हैं।